स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों को बॉन्ग टेक सिविल चैनल में। आप लोगों को पता है कि डीएफसीसीआईएल का आंसर क्या आ चुका है, और आप लोगों को ये भी पता है कुछ कुछ क्वेश्चन में आंसर गलत भी दिया हुआ है। तो आप सभी को ये भी पता नहीं है कौन कौन क्वेश्चन गलत है और उसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में सारी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये सब छोड़ के और कोई क्वेश्चन गलत लगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं दोबारा उन सब क्वेश्चन को लेके एक वीडियो बना दूंगा। और आप लोग अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं डाला तो इस वीडियो को देख लीजिए एंड तक और ऑब्जेक्शन डाल दीजिए। चलिए आप डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को जिसमें गलत आंसर दिया हुआ है, और एंड तक बने रहिएगा और सारे क्वेश्चन को देखिएगा। पहले ये क्वेश्चन देखिए जीआई का, इसमें जो आप सभी लोग आंसर करके दिखा है इसका दो आंसर आ रहा है, मगर आंसर की में ये सेकेंड ऑप्शन यानी नौ को आंसर दिया हुआ है। सो आप लोग इसी क्वेश्चन में जरूर ऑब्जेक्शन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इनटू द अरबियन सी, सेकेंड ऑप्शन यानी नौ को आंसर दिया हुआ है। सो आप लोग इसी क्वेश्चन में जरूर ऑब्जेक्शन कर सकता है। ये जीके का क्वेश्चन था, इसमें देखिए सही आंसर उन लोगों ने दिया है साबरमती, मगर लूनी और साबरमती दोनों ही अरबियन सी में जा रहा है। तो आप लोग वहाँ पे दो ऑप्शन है ऑब्जेक्शन सीट में, आप दोनों को एक साथ में डाल सकता है रेलवे स्लीपर, देन द सेकेंड ऑप्शन इज राइट। सो इसी में भी आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का था, द एक्सपोजर कंडीशन ऑफ कॉन्क्रीट सर्फेसेस टू कोस्टल एरिया कम्प्लीटली इज क्लासिफाइड, ये होना चाहिए M30 एज पर IS 456/2000। वी नो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए रेलवे का था, यहाँ पे क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम ए रेलवे स्लीपर, उन लोगों ने दिया है इट शुड हैव साबोटेज और थेफ्ट फीचर्स, मगर और जो तीनों आंसर है उसमें तीनों सही है, मतलब इसी क्वेश्चन में ही गलत था, ऑब्जेक्शन डाल सकता है। अभी देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का था, ए सिलेंडर इज कंसीडर्ड टू बी ए थिन सिलेंडर इफ द थिकनेस टू इंटरनल डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल सेल इज, यहाँ पे उन लोगों ने आंसर दिया है लेस देन 1/20, मगर ये होता है लेस देन 1/10 to 1/15। सो आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं इसी क्वेश्चन में। ये भी रेलवे का एक क्वेश्चन था, देख लीजिए, द लोड पर यूनिट लेंथ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन यूनिट डिप्रेशन इन द रेल बॉटम इज कॉल्ड इलास्टिक मॉड्यूलस, होना चाहिए इन लोगों ने दिया है ट्रैक मॉड्यूलस। सो दिस क्वेश्चन में भी आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए सॉइल मैकेनिक्स का, और एक क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द केस ऑफ स्लो एंड सैंड फिल्टर्स, उन लोगों ने क्वेश्चन का आंसर दिया है they are relatively simple to operate but the answer should be they have a large rail requirement, क्योंकि सिटी एरिया में ये प्रोसेस नहीं कर सकता है क्योंकि वहाँ उतना ज़्यादा जगह नहीं मिलता है। तो इसी क्वेश्चन में भी आप लोग ऑब्जेक्शन डाल सकता है। ये सीजन होने के बाद भी स्टीप होता है और पहले भी स्टीप रहता है, तो ये भी आंसर इनकरेक्ट है। तो आप लोग ऑब्जेक्शन पेपर में दोनों आंसर को एक साथ में भी डाल सकता है। आप देख लीजिए कॉन्क्रीट का एक क्वेश्चन था, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज्ड फॉर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन शुड बी, माइल्ड कंडीशन के लिए M20 होता है, मॉडरेट कंडीशन के लिए होता है M25, सीवियर कंडीशन के लिए होता है M30। तो आप लोग इसी क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शन डाल सकता है, ये होना चाहिए वेरी सीवियर, बट उन लोगों ने सीवियर दिया है। IS 456 में एक चार्ट है एक्सपोजर कंडीशन का, वहाँ पे लिखा है वेरी सीवियर कंडीशन के लिए कोस्टल एनवायरनमेंट। तो इसी क्वेश्चन में भी आप लोग ऑब्जेक्शन डाल सकता है। अभी देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट इन द केस ऑफ स्टीपनेस ऑफ वुड, उन लोगों ने जो आंसर दिया है स्ट्रक्चरल साइजेस ऑफ टिम्बर आर स्टीफर देन द क्लियर स्मॉल स्टिक्स, ये गलत है क्योंकि देखिए ग्रीन टिम्बर स्टीफर देन व्हेन सीजन्ड, ये इनकरेक्ट होता है क्योंकि जब एक टिम्बर सीजनिंग, टिम्बर का सीजनिंग होता है उसके बाद उसका स्टिफनेस
बाढ़ जाता है, ये गलत, मतलब ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे सॉइल का और एक क्वेश्चन था, इसका फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा उसका आंसर आएगा 13.08, सो व्हिच इज नियर अबाउट 13.58। तो ये भी आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो दोस्तों मेरे नॉलेज में इतना ही क्वेश्चन का आंसर गलत था। आप लोगों को और कोई भी क्वेश्चन का डाउट लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए बॉन्गटेक सिविल चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से रिलेटेड सारे जॉब अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।